बुल्शन एरीज अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा नाकाबिल यकीन पेशीन गोया। आपके सातवें घर में सूरज ग्रह। शादी, शराकत दारी, मुआहिदों, सेहत और करियर में बड़ी तब्दीलियां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुल्शन एरीज में आसिया बतूल एक स्ट्रोलजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल स्ट्रोलजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुल्शन अक्टूबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अक्टूबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अक्टूबर 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अक्टूबर एक बहुत ही गैर मुस्तहकम, दिलचस्प, गैर मुतवक्के वक्त होने वाला है क्योंकि हम एक और ग्रहण के दौर में दाखिल हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को बुर्ज मीजान में सूरज ग्रहण होगा। बहुत सारी गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट और तब्दीलियां हो सकती हैं, एक नई समत जन्म ले सकती है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मीजान में है। बुर्ज मीजान का मौजू ताल्लुकात पर है क्योंकि बुर्ज मीजान शराकत दारी, सिफारतकारी और इंसाफ पसंदी की अलामत है। दो हफ्ते बाद 28 तारीख को मुकम्मल चांद ग्रहण है। नए चांद पर लगाए गए बीज अक्टूबर के आखिर में पूरे चांद तक फूटना और खिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ग्रहण पर हमेशा चीजें हल जाती है। ये नई तवानाइयां लाता है, पुरानी तवानाइयां लाता है, इसका मकसद अचानक गायब हो जाता है। बुर्ज मीजान बुर्ज हमल के बिल्कुल मुखालिफ बुर्ज है, लिहाजा बुर्ज हमल ये खास तौर पर आपकी शादी और शराकत के सातवें घर को नुमाया कर रहा है। अब ये सूरज ग्रहण गैर मुतवक्के यूरेनस के लिए इंतहाई दबाव वाले जाविये में होने वाला है, इसलिए हर एक के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के होने वाला है। बुर्ज हमल एरीज के लिए इसमें मुआहदों, कारोबार, शराकत दारी, आपके शरीक हयात या किसी दूसरे खास के लिए बहुत कुछ करना है। ग्रहण हर 19 साल बाद एन इसी चक्कर को दोहराते हैं। आखिरी बार बुर्ज मीजान में ये ग्रहण का चक्कर अक्टूबर 2004 से 2005 तक था, लिहाजा ये जानने के लिए कि ये चांद ग्रहण का मौसम आपके लिए क्या हो सकता है, इसका आप पर क्या असर हो सकता है, 2004 और 2005 पर एक नज़र डालें और देखें कि इस वक्त आपके लिए गालिब थीम सातवें घर के मामलात से मुतालिक क्या थी। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम को बयान करूं और अक्टूबर के दूसरे सैयारों के वाकयात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज होते हैं और उनको मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब बुर्ज हमल एरीज ये सूरज ग्रहण आपकी शादी और शराकत दारी के सातवें घर पर रोशनी डाल रहा है, लेकिन ये सूरज ग्रहण यूरेनस की वजह से दबाव वाले अंदाज में मुतासिर हो रहा है। यूरेनस आज़ादी का मुतालबा कर रहा है, इसलिए आम थीम के तौर पर ताल्लुकात और शराकत दारी के साथ बहुत परेशान कुन तवानाइयां हैं, लेकिन यहाँ कुछ हकीकी मुस्बत तवानाइयां भी हैं क्योंकि बुर्ज मीजान पर वीनस का राज है। वीनस ख्वाहिश, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा है। वीनस अक्टूबर का पूरा महीना बुर्ज सुंबुला में रहेगा। बुर्ज सुंबुला में वीनस हिफाजती वसतों के साथ हम आहंगी में होगा। जुपिटर और यूरेनस टॉरस में हैं, जो जमीनी बुर्ज है, और आखिरकार हमारे पास प्लूटो बुर्ज जद्दी में है और बुर्ज जद्दी भी जमीनी बुर्ज है। तो यहाँ हमारे पास वीनस है जो इस सूरज ग्रहण का हुक्मरान सैयारा है, ये एक अजीम ट्राय बना रहा है। अब जबकि वीनस बुर्ज सुंबुला में है, बुर्ज सुंबुला बुर्ज हम से छठा बुर्ज है, लिहाजा ये फोकस जहां आपके लिए बहुत सारी फायदामंद तवानाइयां लाता है वो छठा घर है। छठा घर आपकी मुलाजमत से मुतालिक है। अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो ये ना सिर्फ नौकरी बल्कि एक अच्छी नौकरी तलाश करने के लिए वाकई साजगार है। अब छठे घर में वीनस भी बेहतर काम करने के हालात पर रोशनी डाल सकती है जहां कोई मौजूदा मुलाजमत है। अगर आप अपने कारोबार में हैं, शायद आप किसी मुलाजिम की खिदमात हासिल कर रहे हैं, शायद आप कारोबार में सिर्फ अपने लिए मजीद काम के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपके सातवें घर में सूरज ग्रहण के साथ
आपको मजीद गाहक भी मिल सकते हैं। और इस वीनस के साथ काम के छठे घर से ग्रैंड टाइम के साथ आपको बहुत सारे काम के मंसूबे मिल सकते हैं, लिहाजा ये वाकई मुस्बत है। अब सूरज पहले 3 हफ्तों के लिए बुर्ज मीजान में है और ये 22 अक्टूबर को बुर्ज अक्रब में चला जाएगा, लेकिन नया चांद 14 तारीख को है, जो नवंबर के आखिर तक इस रिश्ते की तवानाई को गालिब रखे हुए है। ताहम अब सूरज बुर्ज अक्रब में चला जाता है, जहाँ ये एक और दिलचस्पी रखता है, लेकिन ये अहम मौजूआत को नहीं ले रहा है, बल्कि मजीद तफसील और दिलचस्पी का इजाफा कर रहा है। इसलिए जब सूरज बुर्ज अक्रब में जाता है, बुर्ज अक्रब बुर्ज हम से 8वां बुर्ज है, लिहाजा सूरज 8वीं घर के मामलात पर हकीकी रोशनी डाल रहा है। इससे पहले कि मैं उसकी मजीद तफसील में पहुंचूं, मरीख जो ख्वाहिशात जाइव और तवानाइयों का सैयारा है, वो 11 अक्टूबर को बुर्ज अक्रब में जा रहा है। इस तरह मरीख 8वीं घर में सूरज के साथ बुर्ज अक्रब में शामिल होने वाला है। 8वीं घर का मुश्तरका वसाइल कारोबारी मुआहिदों टैक्सों इंश्योरेंस के साथ बहुत कुछ करना है। अब सूरज वही है जो 8वीं घर को रोशन कर रहा है, क्या ये वाकई अहम है? लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मौजू मुआहिदे और शराकत दारी है। बुर्ज अक्रब में जाने वाला सूरज माली मामलात पर ज्यादा जोर दे रहा है और मरीख बातचीत करने वाला है। अब आप पैसे के मामलात पर लड़ाई में दबाव डाल सकते हैं, आप जारहाना अंदाज में सौदा बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके 7वें घर में बुर्ज मीजान सूरज ग्रहण के साथ ये वो पार्टनर हो सकता है जो उन मुआहिदों को पेश करता है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे होंगे, और उसके साथ छठे घर से एक अजीम अलशान ट्राइन का वीनस हिस्सा है जो काम नौकरी हासिल करने या मजीद काम की तरफ रागिब करने के लिए बहुत साजगार तवानाइयां हैं। ठीक है बुर्ज हमल एरीज, ये पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये देखना चाहती हूं कि ये सैयारों के वाकयात आपके जिस्म आपके ताल्लुकात आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अच्छी तरह से जिस्म के बारे में बात करते हुए, फायदामंद वीनस एक अजीम अलशान ट्राइन के छठे घर में है, बहुत सारी मुस्बत तवानाई है। छठे घर में वीनस आपकी खुद की बेहतरी सेहत का इंतजाम और खुराक के बारे में है। अब पहली चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि वीनस के यहाँ मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं, वो है खूबसूरती। वीनस मोहब्बत तख्लीकी सलाहियतों और खूबसूरती का सैयारा है, और आपके छठे घर में होने की वजह से आप शायद अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना चाहते हों, चाहे वो डाइटिंग वर्जिश फेशियल बोटोक्स वाकई प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना हो, ताकि आपको वाकई अच्छा महसूस करने में मदद मिले। जब रिश्तों की बात आती है तो वीनस मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है, और आप इस बड़े 19 साल दौर में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें शराकत और रिश्तों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, और बुर्ज मीजान आपकी शादी और शराकत के 7वें घर पर राज करता है। लेकिन फिर हम वीनस की तरफ भी देखते हैं। अब वीनस छठे घर में है, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी मुलाजमत के दौरान दफ्तर में किसी से मिल सकते हैं, रजाकाराना खिदमत भी हो सकती है। अब ये हमेशा रोमानवी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ये एक अजीम नई दोस्ती बन सकती है। लेकिन यकीनी तौर पर एक नए रिश्ते को अगले दर्जे पर ले जाने के लिए आखिरकार किसी से मिलने के लिए कुछ वाकई मुस्बत तवानाइयां मौजूद हैं। मौजूदा रिश्तों में मुसालहत शिफायाबी रोमांस को ताल्लुकात में वापस लाने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। जब कारोबार की बात आती है तो काम के छठे घर में वीनस है और 8वीं घर में स्कॉर्पियो की तमाम तवानाई है। ठीक है, 8वां घर मुश्तरका मंसूबे मुश्तरका वसाइल बहुत सारे मुआहदे मुजाकरात, और हाँ अगले 1.5 साल के लिए सूरज ग्रहण आपकी शादी के 7वें घर में है, लेकिन ये एक कारोबारी शराकत दारी हो सकती है जो वाकई आपके कस्टमर क्लाइंट को बढ़ा सकती है। और 28 अक्टूबर को मुकम्मल चांद ग्रहण टॉरस में है जो आपकी आमदनी के दूसरे घर को नुमाया करता है। आप यकीनी तौर पर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ देखने जा रहे हैं। बुर्ज हमल अक्टूबर के इस आने वाले महीने में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही है।
ये खास महीना आपकी आमदनी के वसाइल में इजाफा करेगा, लेकिन अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। आमदनी और अखराजात दोनों बढ़ेंगे। इस आने वाले महीने में सुपीरियर की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, बास की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से बहुत कम मुखालफत होगी। बाज़ औकात दिमाग बेचैन हो सकता है। सही फैसला करना या सही इंतखाब करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बुर्ज हमला आप तमाम कामयाबियों से बेहद खुश होंगे। आपको नाम, शोहरत और पहचान मिलेगी और आप अपनी प्रेजेंटेशन पर काफी मेहनत करेंगे, सेहतमंद और अच्छे बर्ताव वाले नजर आएंगे। आप नाम और शोहरत और एस्टेब्लिशमेंट को बरकरार रखेंगे। इस अक्टूबर के महीने में बुर्ज हमल, आप वसाइल और बहुत सारे असासों से मालामाल होंगे। आपका पेशा बहुत नतीजा खेज होगा, कारोबार बहुत नतीजा खेज होगा। फैसला साज के साथ वाबस्तगी बहुत मुनाफा बख्श होगी और सुकून हासिल होगा। आप अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों और तखयलात को पूरा करेंगे। मकाम और मर्तबा और इज्जत में इजाफा होगा। अक्टूबर के महीने में प्रमोशन हो सकती है। आप वो दर्जा हासिल कर लेंगे जो आपको दौलत, पावर और अथॉरिटी देगा, और आप किसी किस्म की रकम की सरमायाकारी कर सकते हैं, जैसे किसी किस्म का अतिया, किसी इंस्टीट्यूट या लोगों की मदद करना। किसी भी किस्म के खुद को तबाह करने वाले अमल से होशियार रहें। ऐसा कुछ न करें जिससे साख को नुकसान पहुंचे या आपको माली तौर पर नुकसान पहुंचे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।